गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम न्यू भर्ती को लेकर। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी एनएम न्यू वैकेंसी अब नहीं आएगी क्या? ठीक है, आपके डाउट आने लगे हैं, बहुत से कमेंट आए हैं और बहुत से यूट्यूब पे चैनल पे ये वीडियो भी अपलोड किया गया कि 2026 तक भर्ती नहीं आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी एनएम। ये डाउट को क्लियर करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या करना है आगे कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए। और ये भी सवाल आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट सर नहीं आएगी क्या, जो होना था हो गया अब नहीं आएगी क्या? ठीक है, उस पर भी जवाब देने वाले हैं। फिर उसके बाद ये भी बहुत सारे सवाल हैं, कितने नंबर पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है, मेरा इतना नंबर है, मेरा उतना नंबर है, फार्मासिस्ट में कितनी जा सकती है, वेटिंग पे क्लियर हो सकती है, इन सभी सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे एनएम फार्मासिस्ट एलटी स्टाफनर्स न्यू वैकेंसी एनएचएम के थ्रू या अन्य डिपार्टमेंट में यूपी में आने वाली है कि नहीं, आएंगी भी तो कब आएंगी, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ डिटेल में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे बस यही एक अनुरोध रहता है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखा करें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम न्यू वैकेंसी को लेकर। ठीक है, इसके लिए गाइज मैं थोड़ा नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ लेटर दिखाना चाहता हूँ जिसके पहले इसके पहले मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि चीज़ें क्या क्या है। तो अभी दो तीन वीडियो हमने देखा, बड़े बड़े चैनलों पे यही बताया गया है कि अब आपकी भर्ती नहीं आने वाली है, और किसी चैनल पे ये भी बताया गया है कि भर्ती आएगी। ठीक है, 10,000 आएगी, 12,000 आएगी, तो सब कुछ चीज़ें क्या है आप सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले इसी पॉइंट को लेकर। गाइज देखिए, एक लेटर जारी किया गया था दिनांक 13 फरवरी 2024 को किसके द्वारा, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश जगन नारायण रोड लखनऊ के द्वारा। ये लेटर 13 फरवरी 2024 को जारी किया गया था और ये लेटर आप लोग जान ही रहे हैं हमारे चैनल पे कितनी बार ट्विटर कैंपेन किया गया था, लखनऊ भी चला गया था। फरवरी के महीने में ही बात हो रही है, फरवरी के फर्स्ट वीडियो भी पड़ा है, आप जाके देख लीजिए, 5 फरवरी, 6 फरवरी, फिर 2 फरवरी, 3 फरवरी को वीडियो लगातार हम अपलोड किए हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम न्यू भर्ती को लेकर, ट्विटर कैंपेन या फिर लखनऊ चलो अभियान, कई बार वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो वो सब मिला था। ठीक है, ये लेटर हम लोगों को देखने को मिला था ऑफिशियल तरीके से, इसमें ये बताया जा रहा था, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रेषक और यहाँ पे सेवा में किसको भेजा गया है, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश को ये लेटर भेजा गया है। किसके लिए, विषय आप देख सकते हैं, नवीन अधियाचन हेतु। ठीक है, नया अधियाचन हेतु जनपद में नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब परमानेंट रेगुलर बेस पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कार्यरत पदों के अद्यतन मतलब श्रेणीवार सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पूरा यहाँ पे जब पढ़ेंगे उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि विभाग में 1 जुलाई 2019 को पुरानी भर्ती की चर्चा की गई है। ये तो बात की बात है, आगे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा ये डिटेल में आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, तो अगर दिख नहीं रहा होगा क्लियर तो आप थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है उपरोक्त विषय के और ध्यान आपको आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि विभाग में 1 जुलाई 2019 को स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों के आधार पर प्रेषित अधियाचन के क्रम में उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में चयनित स्वास्थ्यकर्ता महिला की माह जून 2023 एवं जुलाई 2024 जनपदवार तैनाती की जा चुकी है। आप सभी को पता होगा अधियाचन, यहाँ पे देखिए नवीन अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की बात की गई है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जाना प्रस्तावित है, मतलब जो भी नया अधियाचन है उसको यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए निम्न प्रारूपों पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। प्रारूप 1 जनवरी 2024 को कार्यरत पदों को श्रेणीवार सूचना 1 जनवरी 2024 तक जितनी भर्तियां खाली हैं, ठीक है, जितनी भर्तियां खाली है कैटेगरी वाइज आप उन सभी का ब्यौरा दीजिए हमको ताकि हम नया अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को भेज पाए। फिर आगे इन्होंने बोला कि ये चीजें बहुत जल्द से जल्द हमको चाहिए तो चाहिए।
यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने बोला है कि प्रारूप संख्या 1 पर 31 दिसंबर 2023 तक सेनावृत्त होने वाले कर्मियों के पश्चात विभिन्न श्रेणियों में शेष कार्यरत कर्मियों की सूचना प्रेषित की जानी है, जबकि प्रारूप 2 पर 30 जून 2024 को सेनावृत्त होने वाले कर्मियों की संख्या का आग्रहण करते हुए 1 जुलाई 2024 को विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मियों की संख्या की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 16 फरवरी 2024 को अपराह्न 5 बजे तक इस ईमेल पर यह प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि उक्त सूचना वास्तविक एवं सही है। ठीक है, अब इतनी जल्दी मतलब 13 तारीख को लेटर भेजा इन्होंने और बोला है कि 13/3/16 तीन दिन के अंदर आप हमें प्रत्येक दशा में किसी भी हाल में ये चीजें वास्तविक रूप से बताएं। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जब इन्होंने 3 दिन के अंदर ये डेटा मांगा है तो फिर ये बात फरवरी की है, फरवरी से लेकर पूरा मार्च निकल गया। ठीक है, मार्च में आचार संहिता 17-18 मार्च को आचार संहिता लगी, उसके बाद अप्रैल गया, ठीक है, मई गया, जून 3 महीना तो ऐसे निकल गया। ठीक है, आचार संहिता में ही निकल गया, चुनाव में ही निकल गया। तो अगर आप इनको भर्ती 2026 में देनी है, अगर इनको भर्ती 2026 में देनी है भैया, तो क्यों ये लेटर इतनी जल्दी, इन्होंने क्यों सूचना मांग लिया है, क्यों इतना जल्दी चीजें करवा रहे हैं? जो भी चीजें हैं 2026 में ही करना है, तो अभी क्यों इतना जल्दी फास्ट तरीके से, अभी 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते भी नहीं लिए हैं, 3 दिन के अंदर, हाफ वीक के अंदर इन्होंने बोला है कि सूचना प्रसारित करें। तो ये बात रहा कि अभी ये चीजें नहीं कह सकते आप लोग कि भर्ती आपकी 2026 से पहले नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी भर्ती जून जुलाई के महीने में देखने को मिलेगी UP SSC NM की। अगर नहीं आती है तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा, बस इलेक्शन खत्म होने दीजिए। लगातार मेरे तरफ से प्रयास हो रहा है, मैं अपने एंड से जो हो रहा है वो कर रहा हूँ, चाहे वो RTI हो, चाहे जो भी चीजें हो, अपने तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। गाइज, इसके पहले हमने RTI लगाया था UP SSC NM न्यू भर्ती को लेकर, किसको, परिवार कल्याण को लगाया था कि भर्ती आपकी कितनी आ रही है, कैटेगरी वाइज आ रही। तो हालांकि उस चीज़ में मैंने ये नहीं मेंशन किया गया था कि आपके पास एक लेटर गया था, ठीक है, आपने एक लेटर भेजा था सवर्ण चिकित्सक अधिकारी उत्तर प्रदेश को, तो उसमें आपने ब्यौरा मांगा था कैटेगरी वाइज वैकेंसी का। तो अब की उस देखिए रिप्लाई तो आया था, परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा रिप्लाई आया था, लेकिन उस तरीके से नहीं आया था जिस तरीके से हमको रिप्लाई चाहिए। तो उस रिप्लाई से संतुष्ट ना होकर अभी मैं, हाल ही की बात है, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन, फिर से मैंने RTI लगा रखा है इनको उत्तर प्रदेश NM। मैंने इस बार पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा है कि आपने एक लेटर जारी किया गया था 13 फरवरी 2024 को, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यू वैकेंसी को लेकर। ठीक है, और भी आगे पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है, सब चीज़ मैंने सबमिट किया था पूरा, ये मैटर जो है ऑल चीफ मेडिकल ऑफिसर उत्तर प्रदेश डिमांड वाज मेड फॉर डिटेल ऑफ वैकेंसी रिगार्डिंग न्यू वैकेंसी इन NM इन विच इट वाज आल्सो रिटेन डेट बाय 16 फरवरी 2024 डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट शुड बी सेंड टू वेयरफेयर फैमिली। पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक ही बार में मैटर नहीं दिखा सकते, इसलिए मैं बार बार स्क्रीन शॉट लिया हूँ तो वही दिखा रहा हूँ। ठीक है, वेलफेयर उत्तर प्रदेश जगन नारायण रोड थ्रू लेटर कैन यू टेल NM फीमेल हेल्थ वर्कर व्हेन विल द न्यू वैकेंसी कम एंड हाउ मेनी वैकेंसीज विल कम कैटेगरी वाइज। ठीक है, मतलब आप बता सकते हैं कि भर्तियाँ आ रही हैं तो कब और कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज आ रही है, चीज़ का डेटा हमने डेटा के साथ हमने RTI लगा दिया है फिर से। ठीक है, बट इसका RTI का रिप्लाई का जवाब नहीं करेंगे, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है एक बार फिर से हम लोग साथ में 2-3 लोग जो भी चल सकते हैं साथ में चलेंगे, परिवार कल्याण मंत्रालय ऑफिस में ही लखनऊ में चल के, जो परिवार कल्याण ऑफिस है वहाँ पे चल के बात कर लेंगे कि सर ये लेटर जारी किया गया था, अब आप बता सकते हैं कि भर्ती कब और कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये रही NM की बात हमने कर लिया, UP SSC NM की बात हमने कर लिया। तो आप लोग ये चीज़ ना सोचें कि भर्ती आपकी नहीं आने वाली है, भर्ती बिल्कुल आएगी, नहीं आएगी तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा, भर्ती हमको चाहिए इसी 2024 जून जुलाई के महीने में ही चाहिए, और ये विश्वास हमारा है, आप सबका विश्वास है, प्रयास करेंगे तो चीज़ें पॉसिबल होगी, जैसा पहले हुआ था अब भी होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती बिल्कुल आएगी, आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, NM बहन जितने भी हैं।
बात करते हैं गाइस यूपीएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या करना होगा। आपके सवाल आ रहे हैं सर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी क्या, मैं पहले भी बोला था अभी बोला था, पहले मैं ये बोला था कि भर्ती का जो 17,000 भर्ती निकल के आई है इसका वेटिंग लिस्ट जून मतलब आपकी ये जून से पहले तो नहीं क्लियर होने वाली है, ठीक है जून में ही क्लियर होगी। वो भी मैंने डेट भी बताया था कि 15 जून के बाद ही आप मान के चले, तो अब भी यही मैं बोला हूँ 15 जून के बाद ही आप मान के चले आपकी वेटिंग क्लियर होगी, ठीक है 100% क्लियर होगी आपकी वेटिंग। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्या करना होगा इसके लिए भी हम चल के नीचे में बात कर लेंगे, ठीक है। और गाइस आरटीआई आप लोग लगा दिया करें, ठीक है आरटीआई लगाना नहीं आता तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए कैसे यूपी में विभिन्न विभाग में आरटीआई लगाया जाता है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने भी आरटीआई लगाया है, कई लोगों से भी आरटीआई लगवाया है, आप भी 2-3 लोग लगा सकते हैं जितना लगा सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो उसी के माध्यम से जानकारी भी मिलेगी। तो आप लोग अब देखिए एक सवाल आ रहा है कितने नंबर पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है, वेटिंग लिस्ट कितने नंबर पर क्लियर हो सकती है, इसके लिए वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। जिस दिन आरटीआई का रिप्लाई आया था कटआउट को लेकर उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था कि कितने इतने नंबर हैं आपके। हाँ स्टाफ नर्स का नहीं बताया था मैंने, बाकी एएनएम का बता दिया है, एलटी का भी बता दिया है और फार्मासिस्ट का भी बता दिया है कि इतने नंबर पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। और आप सभी लोग जानते हैं मैंने कटआउट की भी वीडियो बनाई थी, लगभग 3-4 कटआउट की वीडियो बनाई है, जितना कटआउट मैंने बताया था भैया उतना ही कटआउट गया। अगर आपको विश्वास नहीं है पुराने वीडियो जाके देख लें, और नया वीडियो जो अभी आरटीआई के माध्यम से कटआउट आया है, ठीक है वो कटआउट को मैच करा लें, एक नंबर इधर ना उधर होगा, जो चीजें मैंने बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप ही एनएचएम में रहते हो क्या चीजें जो ये सब करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें अगर एनालाइज करके बताया जाता है तो 89% 90% यहाँ तक 100% भी चीजें सही हो सकती हैं, बस उसके पीछे मेहनत की जरूरत होती है, जो मैं मेहनत करके तभी आपको चीजें बताता हूँ। अब गाइस बात कर लेते हैं एएनएम फार्मासिस्ट एलटी स्टाफ नर्स न्यू वैकेंसी को लेकर, न्यू वैकेंसी आएंगी एनएचएम की तरफ से कि नहीं आने वाली है। बिल्कुल न्यू वैकेंसी आएंगी आपकी, लेकिन उससे पहले आपका जरूरी हो जाता है एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक न्यू भर्तियां नहीं आने वाली है। भर्तियां तो आएंगी स्टाफ नर्स की, पहले भर्ती देखने को मिलेगा एनएचएम की तरफ से। अभी जो भी न्यू रिक्वायरमेंट आएगी सीधा आपको सीएचओ की भर्ती देखने को मिलेगी एनएचएम की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आपको फार्मासिस्ट की भी भर्ती आ सकती है, एनएम के एनएम का तो कह नहीं सकते एनएम का, क्योंकि अगर यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियां आ जाती हैं फिर एनएम की भर्ती नहीं आने वाली है, फिर एनएम की भर्ती आपको 2027 वाले इलेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपके यूपी ट्रिपल एससी से एनएम की भर्ती आएगी तो 100% श्योर है इसी 2024 जून जुलाई के महीने में ही देखने को मिलने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं, उम्मीद करते हैं चीजें आपको जो अब भी डाउट आ रहे थे आपने वीडियो देखा होगा किसी का, फिर आपने मैसेज किया हमें कि सर बताइए क्या चीजें हैं, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ जो भी चीजें था, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लगा जो मैंने चीजें बताया वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये चीजें ऐसे हो सकती हैं। यहाँ पे कोई ऑफिशियली तरीके से अभी नहीं बयान आया है कि हाँ आपकी भर्ती अब आ रही है तब आ रही कब आ रही, लेकिन हाँ जो उम्मीद है 99% उम्मीद है कि आपकी भर्ती जून जुलाई के महीने में ही निकल के आएगी एएनएम की, ठीक है यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एएनएम बहन जितने लोग हैं आप लोग बुक का वेट कर रहे हैं, बुक आ ही आने वाली है, जैसे ही बुक आ जाती है मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग परचेज जरूर कर लीजिएगा। और हाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, बुक ज्यादा प्रिंटेड नहीं है, 100-150 ही रहेगा, तो जितना जल्दी आप लोग परचेज कर लेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी जो भी ऑफिशियल लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट निकल के आता है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती को लेकर हो चाहे फिर एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर हो, आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।